की हमारी वीडियो नंबर 6 है और वीडियो नंबर 6 में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 का नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ लिया था कि बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट कौन से हैं जो हमको चैप्टर नंबर 3 यानी कि नेशनल इनकम में यूज करना है, नेशनल इनकम और मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में हमें यूज करना है। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। अब बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आते हैं चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा, जहां से नेशनल इनकम स्टार्ट हो रहा है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। बुक में हमने देखा होगा, कहीं पे लिखा हुआ देखा होगा, लिखा रहता है जीडीपी एट एमपी, ऐसा कुछ कहते हैं ना, जीडीपी एट एमपी या फिर एनडीपी एट एफसी या फिर जीएनपी एट एमपी, ऐसा रहता है ना कुछ। उस वक्त हम ये नहीं समझ पाते है क्या ये, क्या लिखा हुआ है, क्या जी है, क्या डी है, क्या पी है और क्या एमपी है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर कि क्या है हमारे एग्रीगेट्स। अब देखते हैं जो हमारे एग्रीगेट्स हैं, टोटल 8 एग्रीगेट्स हैं। 8 एग्रीगेट में तो 4 हमारे डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट के एग्रीगेट्स हैं और 4 हमारे नेशनल कॉन्सेप्ट के एग्रीगेट्स हैं। अब ये एग्रीगेट्स तो कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, खाली एग्रीगेट्स को हमने फिलिंग द ब्लैंक्स बना दिया है। देखते हैं कैसे, पहला ब्लैंक, दूसरा ब्लैंक, तीसरा ब्लैंक और चौथा ब्लैंक। ठीक, फर्स्ट ब्लैंक में या फिर आएगा ग्रॉस या फिर आएगा नेट। फर्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा, या ग्रॉस या नेट। दूसरे ब्लैंक में या डोमेस्टिक या फिर नेशनल। तीसरे ब्लैंक फिक्स रहता है किसके लिए, टी के लिए। चौथे ब्लैंक में या फिर एफसी या फिर एमपी या फिर फैक्टर कॉस्ट या फिर मार्केट प्राइस। अब देखते हैं क्या होता है ग्रॉस, क्या होता है नेट, क्या होता है डोमेस्टिक, क्या होता है नेशनल, क्या होता है फैक्टर कॉस्ट, क्या होता है मार्केट प्राइस। ये जब 3 चीज समझ में आ जाएंगी, 4 हम लोग के एग्रीगेट्स अपने आप बन जाएंगे। अब देखते हैं फॉर्मूला नंबर 1, पहले क्या है हमारा ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू। फर्स्ट क्या है, ग्रॉस एंड नेट वैल्यू। तो पहली क्या है हमारा फॉर्मूला नंबर 1, शफलिंग नंबर 1 बिटवीन ग्रॉस वैल्यू एंड नेट वैल्यू। ग्रॉस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस वैल्यू इज आल्सो नोन एज परचेजिंग वैल्यू। अब मान लो मैंने आज एक लैपटॉप खरीदा एचपी का, डेल का लैपटॉप की कॉस्ट थी, मान लो एचपी का मैंने लैपटॉप खरीदा, लैपटॉप की कॉस्ट थी 25,000 रुपीस। ठीक, लैपटॉप की कॉस्ट कितनी थी, 25,000 रुपीस। अब आज 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक जब भी मुझसे कोई पूछेगा कि लैपटॉप की वैल्यू कितनी है, मैं क्या बताऊंगा, 25,000 रुपए है। दैट मीन्स लैपटॉप की ग्रॉस वैल्यू क्या हो गई, 25,000। ग्रॉस वैल्यू मीन्स द परचेजिंग वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी या द वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी एट द टाइम ऑफ इट्स परचेज। नाउ आते हैं नेट वैल्यू। नेट वैल्यू मीन्स एक्चुअल वैल्यू। अब आज से 5 साल बाद मेरा मन आया कि मैं लैपटॉप को बेच दूं। अब जाहिर सी बात है 25,000 की लैपटॉप है, मैक्सिमम कितने बेचेंगे हम बेचेंगे, मान लो हमने बेचा 12,000 में। ठीक, 25,000 का लैपटॉप है, बेचा कितने में, 12,000 में। 12,000 क्या हो गया इसकी नेट वैल्यू, यानी कि द एक्चुअल वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कमोडिटी। 25,000 का लैपटॉप था, बेचा हमने 12,000 में, बीच का डिफरेंस कितने का है, 13,000 का। 13,000 का डिफरेंस क्यों हुआ, एसेट है, एसेट पे क्या लग गया हमारा, डिप्रिसिएशन। शफलिंग नंबर 1 बिटवीन ग्रॉस एंड नेट। देखते हैं ये हो गई हमारी ग्रॉस वैल्यू, ये हो गई हमारी नेट वैल्यू। देखो अब ग्रॉस कितनी थी, 25,000, यहाँ पे लिख लिया 25। नेट वैल्यू कितनी है, 12,000। नेट वैल्यू इज ओनली 12,000।
when we have to go from 25,000 to 12,000, क्या होगा? क्या ये depreciation है 25,000 से 12,000 minus depreciation 12,000 से वापस 25,000 में कितना plus depreciation shuffling number one थी हमारी gross and net के बीच में, हो गया ना gross और net. gross value क्या होती है? जो हमारी purchasing value हुई. net value क्या हुई? जो हमारी actual value हुई. यानी कि first complete gross से net का जब shuffling होगा minus depreciation, net से gross का जब shuffling होगा plus depreciation. आ गया समझ में? अब देखो ये हो गया. अब इसके बाद आते हैं बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम. डोमेस्टिक एंड नेशनल, ये है मेरी डोमेस्टिक इनकम, ये हो गई हमारी नेशनल इनकम. अब देखो डोमेस्टिक इनकम मींस वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री. यानी कि फाइनल गुड्स और सर्विसेज की कितनी वैल्यू है, दैट मींस कि इंडिया के अंदर रहने वालों ने कितना पैसा कमाया. गुड्स एंड सर्विस, फाइनल गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस करके कितना पैसा कमाया. हमने मान लिया 1,250 रुपीस, ये हो गई हमारी डोमेस्टिक इनकम. वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री. नेशनल इनकम, वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अवर कंट्री. यानी कि ऐसे लोग जो हैं तो हमारे इंडिया के, लेकिन वो कहाँ जाके काम करते हैं? दैट्स अब्रॉड में, इंडिया को छोड़कर कहीं बाहर जाकर काम करते हैं. अब मान लिया कि उन्होंने कितना कमाया, उन्होंने कमाया 400 रुपए, ठीक है. डोमेस्टिक में इनकम कितनी है 250 रुपए, नेशनल में कितना है 400 रुपए, कितने का डिफरेंस आया 150 रुपीज का. अब वापस जाओ चैप्टर नंबर टू पे. डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम क्या कहेंगे, NFIA. NFIA means net factor income earned from, net factor income from abroad. ठीक, अब net factor income from abroad क्या होता है? लास्ट चैप्टर में था NFIA, factor income earned from abroad minus factor income paid to abroad. ठीक है, कितना हमने abroad से earned किया है और कितना हमने abroad को paid किया है. तो ये रहा हमारा shuffling number 2 between domestic and national. domestic कितना है 250, national कितना है 400. यानी कि जब when we have to do shuffling from domestic and national, domestic to national, 250 से किसने में जाना है 400 में जाना है, क्या होगा plus NFIA. जब हमें नेशनल से डोमेस्टिक आना होगा, यानी कि 400 से वापस कितने में जाना होगा 250 में, कितना हो जाएगा माइनस NFIA. एंड फॉर्मूला फॉर NFIA, फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, फीफा माइनस फीटा. तो ये भी हो गया कंप्लीट. ये क्या है, पी, पी क्या रहता है, हमेशा फिक्स रहता है. अब देखते हैं the last formula of national income. बस last क्या है, FC. FC means factor cost, MP means market price. factor cost and market price, खाली यही तीन formulae हैं जिसके ऊपर पूरा national income हमारा based है. अगर ये तीन formulae हमें सही से समझ में आ गए तो national income से आसान कुछ भी नहीं है. अब देखते हैं, FC means factor cost. Factor cost means factory cost. And factory cost का मतलब क्या होगा, cost of production. यानी कि जो हमारे factors of production है, ठीक है, factors of production ने जो मेरी production process में जो मदद की है, ठीक है, उनके ऊपर कितना खर्चा आया है वो हो जाएगा हमारा
फैक्ट्री कॉस्ट। मान लो कोई एक प्रोडक्ट है एक्स, ठीक है, कोई एक प्रोडक्ट है प्रोडक्ट एक्स एंड इट्स फैक्ट्री कॉस्ट इज 100 रुपीज। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है उसका? 100 रुपए। अब मार्केट प्राइस मीन्स वो प्राइस जिस प्राइस पे वो प्राइस जिस अमाउंट पे कोई भी वैल्यू कोई भी प्रोडक्ट हम मार्केट में बेचते हैं, ठीक है। मार्केट प्राइस मीन्स कि कोई भी कॉमोडिटी की वो प्राइस जिसको हम मार्केट में बेचते हैं। अब देखते हैं 100 रुपए का है, ठीक है, एक प्रोडक्ट है वो कितने का है? 100 रुपए का है। अब जाहिर सी बात है अगर मैंने उसको 100 रुपए में बनाया तो मैं उसको बेचूंगा कितने में? 150 मान लिया। अब बीच का डिफरेंस कितने का है? बीच का डिफरेंस है 50 का। 50 क्या होगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं होता है। ये 50 रुपीज क्या है हमारा? ये 50 है हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज। क्या होगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स? डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज। अब देखते हैं थर्ड फॉर्मूला, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट कितना है? 100। मार्केट प्राइस कितना है? 50। जब हमको 100 से 50 में आना है क्या है? एनआईटी। एनआईटी क्या हो जाएगा? प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और जब मार्केट से हमें फिर वापस फैक्ट्री कॉस्ट में जाना होता है फैक्टर कॉस्ट में, इट विल बी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो हमने तीन फॉर्मूले पढ़ लिए हैं, पहला था ग्रॉस एंड नेट, दूसरा था डोमेस्टिक एंड नेशनल, और तीसरा था हमारा फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। इन्हीं तीन शफलिंग पे हमारा पूरा नेशनल इनकम बेस है। अब देखो ये तो हो गई हमारी शफलिंग। अब देखते हैं ये जो वर्ड लिखे रहते हैं जीडीपी एससी, जीडीपी एमपी, जीएमपी एमपी, देखिए क्या है। इन तीन ब्लैंक से हमारे एग्रीगेट्स को चार डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट और चार नेशनल कॉन्सेप्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। अब देखते हैं जो हमारे चार डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट एफसी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नंबर टू, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नंबर थर्ड, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और चौथा क्या हो गया? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जो हमारे डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है उसमें देखो बीच में क्या आएगा? डी आएगा। तो ये हो गया हमारे चार डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट। अब आते हैं अपने चार नेशनल कॉन्सेप्ट में। अब देखते हैं नेशनल में क्या आएगा। जब डोमेस्टिक में क्या है बीच में? डी आए, नेशनल में क्या आएगा? एन आएगा। डेट मीन्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जी एन पी एट फैक्टर कॉस्ट। नंबर टू, जी एन पी एट मार्केट प्राइस। हो गया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। थर्ड, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एन एन पी एट एफ सी। और लास्ट मंथ क्या हो गया? एन एन पी एट मार्केट प्राइस। अब आया समझ में ग्रॉस क्या होता है? अब देखो हमने क्या मैंने क्या बताया था कि फर्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा? यह ग्रॉस आएगा या नेट आएगा। क्या आया? यह ग्रॉस आया या नेट आया। दूसरे में क्या आएगा? यह डोमेस्टिक या नेशनल, यह डोमेस्टिक या नेशनल। थर्ड वाला क्या है? पी है। पी क्या होगा? सबके लिए फिक्स होता है, चाहे वो डोमेस्टिक के लिए हो चाहे वो नेशनल के लिए हो। और जो फोर्थ वाला उसमें क्या आएगा? या फिर फैक्ट्री कॉस्ट या मार्केट प्राइस। ये देखो, या फैक्ट्री कॉस्ट या मार्केट प्राइस, या फैक्ट्री कॉस्ट या मार्केट प्राइस। तो खाली चार फिलिंग द ब्लैंक से
हमारे टोटल कितने एग्रीगेट्स बन गए हैं? टोटल 8 एग्रीगेट्स हमारे नेशनल इनकम के बन गए। अब ये तो हो गया हमारे 4 डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट और 4 नेशनल कॉन्सेप्ट, प्लस जो हमारी आज की वीडियो थी, आज की वीडियो में हमने ये पढ़ लिया कि जो शफलिंग होती है, ठीक है, शफलिंग के लिए कौन कौन से 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला हो गया ग्रॉस और नेट के बीच में, दूसरा हो गया डोमेस्टिक और नेशनल के बीच में, और तीसरा क्या हो गया, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच में। अब देखो अगर ये दिया हुआ है GDP है, MP और NDP है, FC, ठीक है, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है और ये एग्रीगेट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखो शफलिंग कैसे होती है, जो चीज हमसे पूछा जाएगा वो हमेशा किस साइड होगा, लेफ्ट हैंड साइड में, और एक एग्रीगेट हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा। खाली क्या करना है, वी हैव टू डू शफलिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। फर्स्ट देखो नेट से ग्रॉस, फॉर शफलिंग नंबर 1, जब हम नेट से ग्रॉस जाते हैं क्या होता है, प्लस डिप्रिसिएशन, फिर क्या होगा, डोमेस्टिक टू डोमेस्टिक नो चेंज, फैक्टर कॉस्ट पी टू पी फिक्स है नो चेंज, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब जब NDPFC या डिप्रिसिएशन या NIT की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू हम यहाँ रख देंगे तो हमारी अपने आप GDP एट MP की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट NDP एट FC, इसको क्या कहेंगे हम, इसको हम क्या कहेंगे, डोमेस्टिक इनकम, ठीक, और उसके बाद क्या है, NNP एट FC, इसको हम क्या कहेंगे, नेशनल इनकम। कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया जाता है कि कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम और कैलकुलेट नेशनल इनकम। तो जो हमारी आज की वीडियो थी, आज की वीडियो में हमने ये पढ़ लिया कि हमारे 4 डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट कौन कौन से होते हैं, 4 नेशनल कॉन्सेप्ट कौन से होते हैं, शफलिंग के कैसे की जाती है ग्रॉस और नेट के बीच में, डोमेस्टिक और नेशनल के बीच में, और फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच में, ठीक। अब जो हमारी इस चैप्टर की जो नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो में हम 2 से 3 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम जंप करेंगे टू अवर चैप्टर नंबर 4, दैट इज मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। एंड एट लास्ट लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा, आई नीड योर सपोर्ट, और प्लीज जितना कमेंट हो पाए उतना कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 8052240007। चैप्टर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप किसी भी वक्त पूछ सकते हैं।